Hey everyone, welcome back to Srinath Bhujbhai Arts. This is Srinath and we are going to see that how to draw hyperrealistic hairs. So without wasting any time, let's start to the video. तो आज के इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले कैमलिन के सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को, क्योंकि सॉफ्ट चारकोल पेंसिल चारकोल पेंसिल में सबसे डार्क होती है। इसमें तीन मीडियम आते हैं, हार्ड, सॉफ्ट एंड मीडियम। तो सॉफ्ट सबसे डार्क होती है और हमें डार्क हेयर्स ड्रॉ करना है तो हम सॉफ्ट पेंसिल का ही यूज़ करेंगे। हेयर्स ड्रॉ करने में सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यही होती है कि हमें स्ट्रोक्स काफ़ी अच्छी तरह से लगाने होते हैं। अब ये वीडियो आपका रियल टाइम में है, इसको कौन सा भी स्पीड नहीं बढ़ाया है मैंने, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रोक्स, हाउ टू अप्लाई द स्ट्रोक्स ऑन द पेपर। सो आप देख सकते हो किस तरह से स्ट्रोक्स अप्लाई करने होते हैं। तो हाइपर रियलिस्टिक हेयर्स ड्रॉ करने में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें स्ट्रोक्स को ठीक से लगाना, जिससे हमारे हेयर्स काफ़ी रियलिस्टिक से लगते हैं और हेयर्स पे हमारा पूरा पोर्ट्रेट डिपेंड होता है। तो आप देख सकते हो जो इस डायरेक्शन में हेयर्स है, हमें फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने हैं। हम उसको बिल्कुल भी मेस नहीं करना है। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क पेंसिल को या फिर प्रेशर का अप्लाई करके ड्रॉ कर सकते हो, और जहाँ पे लाइट स्ट्रोक्स है हम सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लेंगे। पेंसिल में वही यूज़ करूँगा सॉफ्ट चारकोल। ये चारकोल होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फैलती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है। इसलिए हम ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करेंगे, पहले लाइटलेस एरियाज़ को शेड कर लेंगे, फिर डार्क एरियाज़ को प्रेशर का अप्लाई करके डार्क कर लेंगे। स्ट्रोक जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में ही ड्रॉ करना है, ज़्यादा मेस नहीं करना है। रॉन्ग डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने से जब हम ब्लेंडिंग करते हैं तब रियलिस्टिक सी फील नहीं आ पाती। फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके बिल्कुल अच्छे से हमें स्ट्रोक्स लगाने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि हेयर्स ड्रॉ करते हुए हमें हमारी पेंसिल काफ़ी ज़्यादा शार्प रखनी होगी। उसकी निब शार्प होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमें स्ट्रोक्स काफ़ी अच्छी तरीके से लगाने होते हैं। हेयर्स काफ़ी थिन होते हैं तो हमें शार्प पेंसिल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हो मैंने लाइट लाइट एरिया शेड कर लिए है, मतलब एक साइड का एरिया डार्क है तो हमें डार्क प्रेशर का अप्लाई करना है। अगर लाइट एरियाज़ है तो हमें बिल्कुल फ्री हैंड से करना है, बिल्कुल भी प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है। अब हम सबसे पहले लाइट लाइट एरियाज़ को विदाउट एनी प्रेशर शेड कर लेंगे, स्ट्रोक्स लगा लेंगे। अब ये हेयर्स काफ़ी डार्क है, उसकी शैडो, उसकी हाइलाइट्स, इस पर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। तो आप देख सकते हो जहाँ पे लाइट पड़े हुए वहाँ पे वहाँ का एरिया हम थोड़ा लाइट ही रखेंगे। डार्क एरियाज शेड करने के लिए हम थोड़ा प्रेशर का अप्लाई करेंगे, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा किस तरह से मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी लाइट शेड था इसलिए मैंने काफ़ी कम प्रेशर का अप्लाई किया। अब जहाँ पे ज़्यादा डार्क एरियाज है वहाँ पे हमें स्ट्रोक्स थोड़े सुपर इम्पोज करने पड़ते हैं एक दूसरे पे, जिससे डार्क इफेक्ट देखने को मिलता है। हेयर्स को हमें ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना पड़ता है। फोटोग्राफ की मदद से हम ठीक से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहाँ किस डायरेक्शन में हेयर्स है, किस डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक्स लगाने हैं। अब लाइट एरिया शेड होने के बाद हम डार्क एरियाज के लिए थोड़े प्रेशर का अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो मैं उसी पेंसिल से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करके डार्क एरियाज को शेड कर रहा हूँ। अब मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड में कर देता हूँ, इससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। आउटलाइन ड्रॉ करने से हमें सबसे पहले स्ट्रोक्स का पता लगता है किस डायरेक्शन में है। आप फोटोग्राफ में आप देख सकते हो जो एरिया में शेड कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो वहाँ पर हमें लाइट प्रेशर का अप्लाई नहीं किया तो भी चलेगा। डायरेक्टली डार्क एरियाज को हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब डार्क एरियाज शेड करने के लिए मैं थोड़ा प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये है डार्क एरियाज ऊपर वाला, तो हम यहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क स्ट्रोक्स लगाएंगे, और जहाँ पे हाइलाइट्स वाला एरिया है हमें वहाँ पे लाइंस को बिल्कुल भी ऑफ नहीं करना है। हम जब ब्लेंडिंग करते हैं तब ये डार्क एरियाज उसे भी थोड़ा शेड कर देते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी थोड़ा डार्क एरिया है तो मैंने वहाँ पे प्रेशर का अप्लाई किया हुआ है। डार्क एरियाज में अगर हम हेयर्स देखें
मतलब डार्क एरियाज में ज़्यादा हेयर्स नहीं दिखते, डायरेक्टली ब्लैक एरिया दिखता है, पर फिर भी हमें स्ट्रोक के साथ ही लगाना है क्योंकि हमारा स्केच है, फोटोग्राफ नहीं है, तो इसलिए हेयर्स ड्रॉ करते हुए डार्क प्रेशर अप्लाई करके हम स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। और पेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं वो है कैमलिन के सॉफ्ट चारकोल, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है ब्लेंड करने के बाद, जिस तरह से आप देख सकते हो। इसके रिजल्ट्स हमें ब्लेंडिंग करने के बाद ही काफ़ी अच्छे से देखने को मिलते हैं। अब फिर भी हमने एक लेयर का ही अप्लाई किया है, और ज़्यादा हेयर्स डार्क करना इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने उसी पेंसिल की मदद से और भी डार्क एरिया शेड करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो जहाँ पे डार्क एरियाज है, जहाँ पे डेप्थ है, वहाँ पे हमें डार्क पेंसिल का अप्लाई करना ही पड़ता है। अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है वहाँ पे हम इसमें थोड़ा ग्रेफाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, आगे मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। हाइलाइट्स हम लास्ट में ऐड करेंगे, सबसे पहले डार्क एरियाज को शेड कर लेंगे। अब काफ़ी हल्के हल्के से हाइलाइट्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं अपने नॉर्मल इरेजर से। जहाँ पे हाइलाइट्स है वहाँ पे हाइलाइट्स करना इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हेयर्स हाइपररियलिस्टिक देखने के लिए जहाँ पे लाइट गिरी हुई है वहाँ पे लाइट्स दिखाना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ आर्टलाइन की 10B पेंसिल, आपको मैंने एक वीडियो में बताया भी था ये काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है, तो आप इससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हो। चारकोल से भी डार्क हम जहाँ पे लग रहे हैं, जहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए वहाँ पे हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा शाइन करेगा पर फिर भी ठीक है, डार्क एरियाज में चल जाएगा। आप देख सकते हो, तो इस तरह के रिजल्ट्स हमें इस मेथड को पूरा फॉलो करने के बाद ही देखने को मिलते हैं। गाइस आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए बी प्रैक्टिसिंग, बी इम्प्रूव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना, आपको आगे काफ़ी ज़्यादा ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।